चुके हैं आपके बिजनेस में प्रॉफिट को इंक्रीज कर देने वाली मशीन, ये है दोस्तों बिना गैस के चलने वाला मशीन, ये है इलेक्ट्रिक कढ़ाई, बिजली से चलने वाला कढ़ाई दोस्तों। जो आपका गैस का पैसा ज़्यादा लग रहा है उसको आप कम करना चाह रहे हैं तो ये मशीन आपके लिए हो जाने वाली है बहुत ही ज़्यादा यूजफुल। वेलकम बैक टू जैक्सन मशीन यूट्यूब चैनल। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी में दोस्तों इस मशीन को बनाया गया है जैक्सन कंपनी के द्वारा। स्टेनलेस स्टील मटेरियल का इसके अंदर दोस्तों आपको यूज़ हुआ है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसके माध्यम से आप इस मशीन को ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, फिर ये अपना टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम है। इस कढ़ाई के माध्यम से आप टेम्परेचर कंट्रोल भी कर सकते हैं। ये टेम्परेचर कंट्रोल को आप प्लस करेंगे माइनस करेंगे तो आपका जो हीटिंग है वो आप प्लस माइनस कर सकते हैं। जैसे काफ़ी सारे फूड रहते हैं उसको आपको सेम टेम्परेचर पर फ्राई करने का रहता है तो वो चीज़ आपको इसी कढ़ाई के अंदर पॉसिबल हो जाने वाला है। जैसे कि अगर आपका नमकीन का शॉप है या फिर हलवाई की दुकान है या फिर अगर कैटर्स का कामकाज है आपका तो ये मशीन आपके लिए हो जाने वाला है बहुत ही ज़्यादा यूजफुल। अभी इस मशीन का आपको लाइव डेमो करके दिखाने वाले हैं, इस कढ़ाई का आपको प्रॉपर लाइव डेमो करके दिखाने वाले हैं। जैसे कि अभी हर इंसान की पहली पसंद फ्रेंच फ्राइज दोस्तों, वो अब इसके अंदर से आपको बना के दिखाएंगे, राइट। जैसे कि ये फ्रेंच फ्राइज कटर आपको चाहिए तो आपको ऊपर बेल आइकन में ऊपर आपको दिख रहा है नोटिफिकेशन आ रहा है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का फ्रेंच फ्राइज कटिंग करने का मशीन चाहिए तो वो भी आपको जैक्सन मशीन कंपनी में मिल जाने वाला है। तो दोस्तों अब इस कढ़ाई का आपको लाइव डेमो करके दिखाते हैं। जैसे कि ये फ्रेंच फ्राइज है उसको अपने अपने तल के दिखा रहे हैं इसके अंदर से। जैसे कि आप ये देखिए, इस तरीके से आपका जो फ्रेंच फ्राइज है अपने इस जर के अंदर ले लेते हैं, राइट। ये देखिए इस तरीके से जर के अंदर अपने ने पूरा फ्रेंच फ्राइज ले लिया है। अब इसको बढ़िया तरीके से अपने इसके अंदर तलेंगे, यानी कुछ भी चीज़ अगर आपका नमकीन वगैरह बना रहे हैं, गाठिया बना रहे हैं, चवाना बना रहे हैं, या फिर तीखी से, मोरी से, मोटी से, पतली से, कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं, तलने की चीज़ें, वो सब कुछ आप इसके अंदर तल सकते हैं। एकदम इजीली आपका जो फूड है वो आप तल सकते हैं, वो भी सेम टेम्परेचर देख के, यानी सेम टेम्परेचर पे फूड फ्राई होगा तो उसका क्वालिटी रहेगा, वो सब फूड का क्वालिटी आपको सेम मिल जाने वाला है। ऑटो कट ऑफ सिस्टम इस मशीन के अंदर आपको दिया गया है, इस कढ़ाई के अंदर आपको ऑटो कट ऑफ सिस्टम दिया गया है। जैसे कि अगर आप 150 का टेम्परेचर सेट करते हैं, 200 का टेम्परेचर सेट करते हैं, डिपेंड और आपके जो प्रोडक्ट है उसको कितना टेम्परेचर का हीटिंग देना है उस हिसाब से आप सेट करते हैं, उस हिसाब से फिर आप उसका पूरा का पूरा प्रोडक्शन कर सकते हैं, वो भी सेम टेम्परेचर पर। जैसे ही आपका जो 150 पर टेम्परेचर आएगा वैसे ही आपका जो कढ़ाई है वो ऑटो कट ऑफ हो जाने वाला है, यानी अब बिजली की भी बचत आपकी हो जाने वाली है। यानी सोच सकते हैं दोस्तों कितना बढ़िया क्वालिटी का मशीन है, राइट। आपका जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी बढ़ जाने वाला है इस कढ़ाई के माध्यम से, और प्रोडक्शन में लगने वाली जो कॉस्टिंग रहती है, राइट, वो बिल्कुल ही कम हो जाने वाली है। बढ़िया तरीके से जो अपना फ्रेंच फ्राइज है वो तल के तैयार हो चुका है, राइट। ये देखिए कितनी बढ़िया तरीके से आपकी जो फ्रेंच फ्राइज है वो रेडी हो चुकी है। ये देख पा रहे हैं दोस्तों इतनी बढ़िया तरीके से आपकी जो फ्रेंच फ्राइज है वो बिल्कुल तल के तैयार हो चुकी है और एकदम क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज तैयार हुई है। देखिए जिस प्रकार का अंदर से उसका रहना चाहिए वो सेम क्वालिटी आपको मिल रहा है दोस्तों। इतनी बढ़िया क्वालिटी की मशीन है अपनी दोस्तों इस इलेक्ट्रिक कढ़ाई के माध्यम से, आप सेम टेम्परेचर पर इसको सेक सकते हैं, फ्राई कर सकते हैं। दोस्तों देख पा रहे इतनी बढ़िया क्वालिटी का फ्रेंच फ्राइज अपना तैयार हो चुका है, राइट। और अब आपको तल के दिखाते हैं जो चिप्स रहता है, जो कातरी जिसे बोलते हैं, वो अगर आप तलना चाहते हैं तो वो भी आप इसके अंदर ही तल सकते हैं। जैसे कि दोनों ही चीज़ आपको हमने फ्राई करके दिखाया, फ्रेंच फ्राई भी फ्राई किया, फिर जो चिप्स है वो भी आपको फ्राई करके दिखाया, तो अगर आप इस कढ़ाई को लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो जाने वाला है ये कढ़ाई। इसके माध्यम से आपका जो फूड का कॉस्टिंग है वो आपका कम हो जाने वाला है और जो प्रॉफिट मार्जिन है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज हो जाने वाला है, क्योंकि गैस का जो पैसा रहता है, डीजल का पैसा रहता है, और फिर जो लकड़ी का जो पैसा रहता है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है जिसके माध्यम से, और उसके वो जो भट्टियाँ रहती है, गैस की भट्टी, लकड़ी की भट्टी,
डीजल की भट्टी, उसमें बहुत ही ज्यादा धुआं होता है। इसके अंदर धुआं आपको मिलेगा बहुत ही नॉमिनल, यानी एकदम थोड़ा सा धुआं आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। बाकी अगर गैस की भट्टी हुई, डीजल की भट्टी हुई, उसके अंदर आप खड़े नहीं रह सकते, इतना धुआं आपको पता है, इतना धुआं होता है। तो यानी अगर धुआं कम होगा तो आपका जो तेल है वो कम यूज होगा, और कम यूज होगा तो आपका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो जाने वाला है, लगने वाला कॉस्टिंग आपका कम हो जाने वाला है। तो दोस्तों बिना देर किए जैक्सन मशीन कंपनी के साथ जुड़ के इतना बढ़िया क्वालिटी का इलेक्ट्रिक कढ़ाई आज ही बुक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग जैक्सन मशीन यूट्यूब चैनल।